हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू SN फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोगनोसी के टॉप 50 इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला MCQ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन इज टू स्टिमुलेंट, यानी जो ऑक्सिन हार्मोन होती है वो किस चीज़ में स्टिमुलेट करता है, यानी किसको स्टिमुलेट करता है, ग्रोथ को। पहला ऑप्शन दे रखा है सेल डिवीजन, दूसरा ऑप्शन ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, तीसरा ऑप्शन सेल एलोंगेशन, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह क्या काम करता है, सेल को एलोंगेट करता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ साइनोम्स ऑफ लैक्टोज इज, यानी जो साइनोनिम होती है लैक्टोज की वो क्या होती है, मिल्क शुगर, बटर शुगर, या क्रिस्टलाइन शुगर, या प्योर शुगर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टुलोज जो होता है वो उस एक तरह से क्या होता है, सुक्रोज होता है ना, तो उसमें जो साइनोम, यहाँ पे साइनोनिम की बात हो रही है, तो उसका जो मेन साइनोनिम होगा वो होगा मिल्क शुगर। अगला क्वेश्चन है, एर्गॉट पाउडर वाई फ्लोरोसेंस एनालिसिस शो, यानी फ्लोरोसेंस जो एनालिसिस होती है वो एर्गॉट पाउडर किस प्रकार शो करती है, वायलेट कलर में शो करती है, या रेड कलर में, या लाइट ब्लू कलर में, या ऑरेंज कलर में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स फॉर इसाबगोल, यानी जो इसाबगोल होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, वो किससे प्राप्त किया जाता है, किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है प्लेंटेगो ओबेटा, दूसरा ऑप्शन एगली मेरमोलस, तीसरा ऑप्शन क्लिडेनियम अमानसी, या चौथा ऑप्शन कॉन्ड्रेस क्रिप्सस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है पहला वाला ऑप्शन, प्लेंटेगो ओबेटा। अगला क्वेश्चन है, कर्ड फाइबर वैल्यू ऑफ ये ड्रग्स इज ये मेजर ऑफ, यानी जो कर्ड फाइबर वैल्यू होती है अगर किसी ड्रग्स की नापनी हो तो वो कैसे नापेंगे, मिनरल मैटर से, या सॉफ्ट टिशू मैटर से, या वुडी मैटर से, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पहला वाला ऑप्शन, मिनरल मैटर्स। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम फॉर गुहर गम, यानी गुहर गम का साइनोनिम क्या होता है, जागुआर गुम, अकेशिया, या गम अकेशिया, या गम अरविका। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है पहला, जगुआर गम। अगला क्वेश्चन है, फैट इज, फैट क्या होता है, एलमंड ऑयल, कोका बटर, सीसम ऑयल, या पीनट ऑयल। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोका बटर। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अर्जुना, यानी अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, पहला ऑप्शन टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया चेबुला, या टर्मिनेलिया ट्वेम्सेटोसा, या टर्मिनेलिया बैलेरिका। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला, टर्मिनेलिया अर्जुना। अगला क्वेश्चन है, डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एस एडल्ट्रेंट वाई, हेल्फान टेस्ट, कैडस टेस्ट, रायमोन टेस्ट, या सोलवॉस्की टेस्ट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, हाल्फेन टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट यूज एस एन एडल्ट्रेंट फॉर क्लेव, पहला ऑप्शन मदर क्लेव, दूसरा ऑप्शन ब्राउन क्लेव, तीसरा ऑप्शन क्लेव स्टाल, चौथा ऑप्शन पेल क्लेव। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लेव ऑयल इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, जो क्लेव का ऑयल होता है यानी लौंग का ऑयल जो होता है वो किसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, सैलसिलिक एसिड, वैनिलिन, सिनेमिक एसिड, या बेंजोइक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वैनिलिन। अगला क्वेश्चन है, रेंसिडिटी ऑफ फैट इज डिटरमाइंड बाय, यानी जो रेंसिडिटी होती है किसी भी फैट की वो किस टेस्ट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है, पहला ऑप्शन है थायोनिन टेस्ट, दूसरा ऑप्शन सेल्वेनहॉफ टेस्ट, या कैरिश टेस्ट, अगला ऑप्शन दे रखा है मेलॉन्स टेस्ट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, कैरिश टेस्ट।
अगला क्वेश्चन है, नटमेग बिलोंग्स टू फैमिली, यानी जो नटमेग होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? पहला लोरेसिया, दूसरा अम्बलीफेरेसिया, तीसरा मारेस्टिकेसिया, चौथा जिंजिबेरेसिया। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, मारेस्टिकेसिया। अगला क्वेश्चन है, रिंग प्रेजेंट इन पाइलोकार्पिन इज, यानी जो पीलोकार्पिन होती है उसमें किस प्रकार की रिंग पाई जाती है? इंडोल, क्यूनोलिन, पेरुलिन या इमेडा जोल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इमेडाजोल रिंग जो होता है पीलोकार्पिन पे पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्डेमोम बिलोंग टू फैमिली, यानी जो कॉर्डेमोम होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है? पहला ऑप्शन लिलेसिया, दूसरा ऑप्शन लोगनेशिया, तीसरा ऑप्शन एपोकाइनेसिया, चौथा ऑप्शन जिंजिब्रेसिया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिंजिब्रेसिया। अगला क्वेश्चन है, साइनोनिम फॉर पिपरमिंट ऑयल इज, यानी जो पिपरमिंट ऑयल होती है उसकी साइनोनिम क्या होती है? पहला मेंथा ऑयल, दूसरा ओलियम टर्बिनेटाई, अगला यूकेलिप्टस या सीनो पोषण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेंथॉल ऑयल। अगला क्वेश्चन है, बीटा आयनोन इज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसाइजर ऑफ, यानी जो बीटा आयनोन होती है वो किस प्रकार की स्टार्टिंग मटेरियल जो होती है वो सिंथेसाइज करती है? पहला ऑप्शन विटामिन के, दूसरा ऑप्शन विटामिन B1, तीसरा ऑप्शन विटामिन ए, चौथा ऑप्शन विटामिन डी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, डिटरपेनेस कंटेन्स नंबर ऑफ आइसोफेरिन यूनिट्स, यानी जो डिटरपेनेस होती है वो कितने रिंग सिस्टम कंटेन करती है आइसोफेरिन की? 3, 4, 5 या 6? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, 4 रिंग कंटेन करेगी। अगला क्वेश्चन है, टर्पिनॉइड्स इज, टर्पिनॉइड क्या होते हैं? टॉक्सॉल, एर्गोटो मेट्राइन या वारवेरिन। चौथा ऑप्शन दे रखा है एर्गोटा एमाइन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? टैक्सोल। अगला क्वेश्चन है, होमोजीनस मिक्सचर ऑफ रेजिन एंड ऑयल और कार्डेज, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं रेजिन के और ऑयल्स के, उनको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन ओलियोरेसिन्स, ओलिगो ओलियोगम, ग्लाइकोरेसिन, बाल्समस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ओलियो रेसिन्स। अगला क्वेश्चन है, ओलियोगम्स रेसिन आर मिक्सचर ऑफ, यानी जो ओलियोगम होते हैं वो किसके मिक्सचर होते हैं? वोलेटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, या फिक्स्ड ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन, या फैट्स प्लस गम प्लस रेजिन, या गम प्लस रेजिन। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि जो ओलियोगम रेजिन होती है वो मिक्सचर होती है किसकी? वोलेटाइल ऑयल प्लस गम प्लस रेजिन की। अगला क्वेश्चन है, मायर कंटेन इंपॉर्टेंट एसिड, जो मायर होती है वो क्या कंटेन रखती है इंपॉर्टेंट एसिड? कौन सी एसिड कंटेन रहेगी? कोमीफोरिक एसिड, एबाइटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या एस्टिक एसिड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? पहला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, कोमीफोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर प्लांट एक्सोडेट्स एक्सेप्ट, जो एक्सोडेट्स होते हैं एक्सेप्ट छोड़ के, पैक्टीन, एकेसिया, ट्रेगाकैंथ या गाटी। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा पैक्टीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्कोसिटी ऑफ अगर सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के विस्कोसिटी पे कौन सा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है? पहला ऑप्शन एग्रोस, दूसरा ऑप्शन एग्रोपैक्टीन, तीसरा ऑप्शन आरबिन, चौथा ऑप्शन बैसोरेन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एगेरोपेक्टिन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर मीडियम? पहला ऑप्शन अगर, दूसरा ऑप्शन आइसो जेल, तीसरा ऑप्शन ट्रेगाकैन, चौथा ऑप्शन इंडियन गम। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? अगर, पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर द फॉलोइंग
आर राइजोम्स एक्सेप्ट, इसमें से सारे के सारे जो हैं वो राइजोम्स हैं एक को छोड़ के, तो वो कौन सा होगा? जिंगर, टर्मरिक, रूबार्ब या स्क्वेल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है 26 का? तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्क्वेल। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज, यानी नेचुरल हिस्ट्री के जनक किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस, डियोस्कोरिडेस, गैलेन या अरिस्टोटल गैलेन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा अरिस्टोटल गैलेन। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट नोन केमिकल टू काज पॉलीप्लॉइड्स इज, पहला कोलेचिसिन, वेरेटेरिन, मर्क्यूरी क्लोराइड, सल्फा एनिला एमाइड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर पहला जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एन एग्जाम्पल ऑफ कोरम इज, कोरम का एग्जाम्पल क्या होता है? कोलाचिकम, एकोनिट, जिंगर, ग्लाइसेराइजिया। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा पहला, कोलाचिकम। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन इज, फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है? हिप्पोक्रेटस, गैलन या डायोस्कोरिडेस या अरिस्टोटल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अरिस्टोटल जो होते हैं वो फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, इसमें से प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एक को छोड़ के, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सल्फर। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सल्फर। अगला क्वेश्चन है, काल मेघ कंटेन्स विटर प्रिंसिपल्स, पहला ऑप्शन पिक्रोसाइड, दूसरा ऑप्शन एमरोजेंटियन, तीसरा ऑप्शन चैरिटिन, चौथा ऑप्शन एंड्रोग्राफोल लाइट्स। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोग्राफो लेट्स। अगला क्वेश्चन है, हायर एक्सटेंशन रेट मेथड इज, किसमें होगा? इन्फ्यूजन, माइक्रेशन, परकोलेशन, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन है, प्रोटो एल्कोलाइड्स आर एल्सो नोन एज, जो प्रोटो एल्कोलाइड होते हैं उनको एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम क्या है? पहला ऑप्शन ट्रू एल्कोलाइड, दूसरा ऑप्शन अमीनो एल्कोलाइड्स, तीसरा ऑप्शन एक्स्ट्रा एल्कोलाइड्स, चौथा ऑप्शन स्यूडो एल्कोलाइड्स। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा अमीनो एल्कोलाइड्स। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक्स यूज इन, यानी जो इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक होती है वो किस में यूज की जाती है? पहला ऑप्शन सेल सस्पेंशन, दूसरा ऑप्शन प्रोटो प्लांट्स, तीसरा ऑप्शन ऑर्गन, चौथा ऑप्शन सेलुलोस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रोटो प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है, बाय यूरेट टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, जो बाय यूरेट टेस्ट होती है वो किसके आइडेंटिफाई में यूज की जाती है, यानी पहचान करने में यूज की जाती है? पहला ऑप्शन प्रोटाइन, दूसरा ऑप्शन स्टेरॉइड, तीसरा ऑप्शन टेनिस, चौथा ऑप्शन ट्राइटरपनॉइड्स। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल सुपर क्रिटिकल फ्लूड फॉर एक्सट्रैक्शन इज, यानी सुपरफिशियल क्रिटिकल जो फ्लूड होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में कौन सा सबसे आइडियल होता है? लिक्विड NO2, PEG, एथेनॉल या लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहेगा? लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स डज नॉट गिव पिंक कलर विथ रूथेनियम रेड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो कि रेड कलर नहीं देता है, किसके साथ? रूथेनियम के साथ। अगर गुहर गम, फैक्टीन, साबगोल। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने का वाला है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा गुहार गम। अगला क्वेश्चन है, ऑल द फॉलोइंग आर आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ड्राइंग कर्ड ड्रग्स एक्सेप्ट, इसमें से सारे के सारे आर्टिफिशियल मेथड हैं एक को छोड़ के, कौन सा वो होगा? ट्रे ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्राइंग या सन ड्राइंग ड्राइंग। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सन ड्राइंग, क्योंकि ये जो होता है वो आर्टिफिशियल मेथड नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है हीमोलाइसिस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई, जो हीमोलाइसिस टेस्ट होती है वो किसके पहचान के लिए होती है? पहला सोपनेंस, दूसरा प्रोटीन, तीसरा ग्लाइकोसाइड, चौथा टेनिंस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सैपोनिंस। अगला क्वेश्चन है निन हाइड्रिन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, जो निन हाइड्रिन टेस्ट होती है वो किसके पहचान में यूज की जाती है? टैनिस, अमीनो एसिड, ग्लाइकोसाइड या सैपोनिंस। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन है एकोनिट शेप इज, जो एकोनिट होती है उसकी शेप कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म, कोनिकल, सिलेंड्रिकल या सब सिलेंड्रिकल। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कोनिकल। अगला क्वेश्चन है रेजिन इज, रेजिन क्या होते हैं? एसेप्थोडिया, कोलोफोनिया, कोपेबा और मायरिथ। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा कोलोफोनिया। अगला क्वेश्चन है मेथड यूज फॉर वोलेटाइल्स ऑयल्स इन परफ्यूमरी, कौन सी? एक्सप्रेशन, इनफ्लोरेज, स्टेम डिस्टिलेशन या स्केरी फिकेटिल फिकेटिलीन। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो होगा इनफ्लोरेज। अगला क्वेश्चन है मेडिकल जिंगर इज सब्स्टिट्यूटेड विद, यानी जो मेडिकल जिंगर होती है वो किसकी सब्स्टिट्यूशन है? पहला अफ्रीकन जिंगर, दूसरा जापानी जिंगर, तीसरा कोचीन जिंगर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी जो मेडिकल जिंगर रहेगी वो सबकी सब्स्टिट्यूटेड होगी इसमें। अगला क्वेश्चन है जेलिंग एजेंट इज इसबगोल, अगर, अकेसिया या सोडा या एल्जिनेट, सोडा एल्जिनेट। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन, सोडा एल्जिनेट। अगला क्वेश्चन है कैमोफेसिस टेट्रागोनो लोबस इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ, यानी जो कैम्फोसिस होता है ट्रेगोनो लोबस वो किसका बायोलॉजिकल सोर्स है? पहला ऑप्शन पैक्टिन, दूसरा ऑप्शन गोहरगम, तीसरा ऑप्शन एकेसिया, चौथा ऑप्शन अगर। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा गोहरगम। अगला क्वेश्चन है एराविन इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है एराविन? गोहरगम, पैक्टिन, एकेसिया या अगर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एकेसिया। अगला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट फॉर इसबगोल इज, इसबगोल का सब्स्टिट्यूट क्या होता है इसमें? पहला ऑप्शन प्लांटेगो पुरसी, दूसरा ऑप्शन प्लांटेगो अरिस्टाटा, तीसरा ऑप्शन प्लांटेगो एसिटिका, चौथा ऑप्शन ऑल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो होगा ऑल। अगला क्वेश्चन है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुहरगम इज, यानी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है गुहरगम की वो क्या होती है? पहला ऑप्शन गोयरेन, दूसरा ऑप्शन एग्रोपैक्टिन, तीसरा ऑप्शन एराविन, चौथा ऑप्शन नन। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा गोहरेन। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दिया करिए। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि सर इस नंबर का क्वेश्चन गलत है, जिसे क्या हो कि उसको हम करेक्शन कर लें कि उसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों थैंक यू।